लखनादौन में सड़कों की खस्ता हालत विकास के दावों की पोल खोलती है। सड़कों में मौजूद ये गड्ढे बता रहे हैं कि यहाँ विकास के सिर्फ बड़े बड़े दावे और वादे किए गए हैं। सिवनी के लखनादौन की ये सड़क नेशनल हाईवे नंबर 7 है, जिसकी हालत इतनी खराब है कि यहाँ गाड़ी क्या, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों व उखड़ी पड़ी गिट्टी से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन NHAI इस ओर आंख मूंद कर बैठ गया है। बताया जा रहा है कि बीते 1.5 वर्ष से उक्त सड़कों की स्थिति काफी खराब है। बरसात के कारण शहर की ये सड़कें पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा अनेकों बार सड़क की मरम्मत कराने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक। बरसात को बीते हुए करीब 3 माह हो चुके हैं, लेकिन NHAI अभी तक चेत नहीं पाया है। सड़क में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढे के साथ साथ अगर वाहन आते जाते हैं तो उसमें दिक्कत परेशानी हो रही है। धूल उड़ रही है, दुकान के सामान में डस्ट बैठ रही है, गिट्टी वगैरह चट कर लगती है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है और कई लोग तो हमारे सामने गड्ढे में गाड़ी से गिर चुके हैं। ये लखनादौन में पेट्रोल पम्प चौराहा से लेके ये नरसिंहपुर जो बाईपास है, यहाँ से लेके पूरी रोड उखड़ी हुई है, पूरी गिट्टी निकली हुई है, दिन भर धूल उड़ती है और जो ट्रक या गाड़ियाँ निकल के गिट्टी भी मतलब निकल के और लोगों को लग रही है, यहाँ हमारे पंडाल में आ रही है। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, विश्वास था, बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं। बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा, नहीं भरा तो कुड़की होगी। बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। गरीबी किसी मां के स्वास्थ्य पर बोझ ना बने, इसलिए सरकार प्रसूति से पहले मां को पौष्टिक भोजन के लिए 4,000 रुपए देती थी। बच्चे के जन्म के बाद मां को कमाने की मजबूरी ना रहे, मां बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए मिलते थे 12,000, ताकि मां को पूरा आराम मिल सके और बच्चे को पूरा पोषण। फिर 15 महीने इन लोगों ने सब बंद कर दिया, जच्चा और बच्चा दोनों को भूल गए, मां के तो पेट पर ही लात मार दी। मां से चापे के लड्डू ही छीन लिए, ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। जब कोई सहारा देने का ढोंग करे और वक्त आने पर अंगूठा दिखा दे, आस टूट सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है। बेरोजगारी भत्ते के झांसे ने तो बच्चों को काम ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ा। वो कैसी सोच थी जिसने बेरोजगारों की उम्मीदें तक छीन ली।
बेरोजगार को भत्ते का लालच देकर छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।